हेलो दोस्तों, तो आज आज ही रहे हम एक और टॉपिक लेके जो कि है क्लास 10 का रैट होल माइनिंग। तो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रैट होल माइनिंग? तो क्या इस टर्म का सिर्फ यही मतलब है कि एक रैट अपने बिल से बाहर आ जाता है और वो कोई माइनिंग एक्टिविटी करके आता है? तो क्या ये संभव है? ना 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 ना। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे दुनिया में बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और सभी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। बट दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगी कि हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, वहाँ पर कुछ घरेलू लोग, पारिवारिक लोग आज भी कुछ माइंस को इलीगल तरीके से यूज़ करते हैं। तो मेघालय में हम देख रहे हैं कि डोलोमाइट, कोल, आयरन और लाइमस्टोन जैसे बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो मेघालय के इस मैप में देखिए, जिसमें कि जुवाई और चेरापूंजी, ये दोनों जगह में ये सब माइंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खासकर कोल माइंस में फैमिली मेम्बर्स जो है वो लिप्त होकर के रैट होल माइनिंग करते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दैट मीन्स When the family members engaged in extraction of minerals illegally from any mine, it is called rat hole mining. तो ये है इसका डेफिनेशन। और अब हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट क्या पड़ता है लोगों पे। तो इसका बहुत सीरियस इफेक्ट पड़ता है लोगों के हेल्थ पे, यहाँ तक कि जान चले जाती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे बच्चे जो है वो गुफा से बाहर आते हैं और ये गुफा कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक, तो इन गुफाओं में घुसना और इनमें से कोयला निकालना और इन कोयले को बेच करके ये अपना ज़िंदगी चलाते हैं, जो कि एक क्राइम तो है ही, प्लस अपने लाइफ को रिस्क में भी, खतरा में भी डालना है। तो ऐसे केव्स बहुत सारे इन स्टेट्स में पाए जाते हैं, जिसमें कि अंडरग्राउंड फायर लगने का खतरा होता है। दूसरा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 17 दिसंबर 1975 में चास नाला इंसिडेंस है, जिसमें अंडरग्राउंड फ्लड आ गया था। ये एक मूवी का काला पत्थर का सीन हमने लिया है, जिसमें हजारों हजारों लोगों के, जो मजदूरों के थे जान, वो चले गए हैं, कोई उन्हें बचा नहीं पाया। दूसरा हम देखेंगे कि रूफ कोलैप्स। ये देखिए, यहाँ से रूफ कोलैप्स हो रहा है। तो ये अगर रूफ कोलैप्स हो जाएगा तो अंदर में जितने लोग हैं वो हेलमेट पहनने के बावजूद भी मर जाएंगे। तीसरा हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाने से आदमी फेंट या जान को जा सकता है। उनको हॉस्पिटल ले जाते जाते वो ज़्यादातर उन रिस्क होता है कि वो अपने दम तोड़ देंगे। नेक्स्ट लास्ट जो हम वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे पूरा का पूरा लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक जैसे पूरा बड़ा एरिया जो है वो धंस जाता है। जैसे कि हमारे धनबाद में झरिया इलाका है, वो बीच बीच में धंसते रहता है, न्यूज़पेपर में आते रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।